अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब खैर खैरियत से हैं, अल्लाह पाक का फजल व करम इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और वबाई बीमारियों से इंशाल्लाह हिफाजत फरमाए हम सब की। ये देखें रास्ते में ना ये फ़िश फॉर्म हैं, चार पाँच बल्कि छः फ़िश फॉर्म इकट्ठे हैं। एक फ़िश फॉर्म इस साइड पर है और एक फ़िश फॉर्म ये देखें ये यहाँ पे है। असल में ना दौरा कुरान करवाने मैं जाती हूँ, तो हमारे घर से थोड़ा सा ही आगे है जहाँ मैं जाती हूँ, तो ऑटो पे अरेंज किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने। तो ये रास्ते में फ़िश फॉर्म आते हैं तो इतने ज़बरदस्त लगता है, देहात का एरिया है लेकिन वहाँ पे और ये इतने पुरसकून माहौल में ये साथ साथ फ़िश फॉर्म यकीन करें इतना अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे ना ये शेयर करूँ। ये देखें कितनी, एक ये इस साइड पे है राइट साइड पे और एक ये है लेफ्ट साइड पर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मज़ीद और भी हैं, वो देखें सामने। और इतनी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की हुई है, सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं और सोलर प्लेट से ही ये सारा पानी का सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, देखें कितनी पीसफुल जगह है ये देखें। और ये इस साइड पे एक ये है, एक वो उसकी दूसरी साइड पे है। और आगे चल के ना मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रास्ते में आते थे, मैं रोज़ाना देखती थी, इतने अच्छे लगते थे। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनकी ना आपको वीडियो बनाऊं और ये दिखाऊं कि यहाँ पे देखें इस ये भी सोर्स ऑफ इनकम होता है लोगों का, कि वो अपने यहाँ पे इस तरह से ज़मीन को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि ये वाली ज़मीन ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा सरखेज़ नहीं है, फर्टाइल नहीं है। तो ना उन्होंने ये वाला तरीका इख्तियार किया कि ये देखें फ़िश फॉर्म बनाए, वो देखें जैसे नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये इधर इन्होंने देखें ये जानवर भी बांधे हुए हैं ये देखें। तो बहुत ही देखें दरख्तों में घिरा हुआ है और ग्रीन ग्रीन बहुत ज़बरदस्त है। वो देखें ट्यूबवेल भी चल रहा है और फ़िश फॉर्म में पानी देने के लिए, और वो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। सोलर प्लेट्स के ज़रिए ही ये लोग अपना सारा अरेंज करते हैं पानी का सिस्टम। वो देखें कितना ग्रीन एरिया है, कितना ग्रीन। ये देखें एक फ़िश फॉर्म ये है और मशीन को रन कर रहे हैं उसके ज़रिए सोलर प्लेट्स के थ्रू। और वो देखें वो डक्स इस स्विमिंग कर रही हैं, कितने प्यारी लग रही हैं। देखें ये यहाँ से इनमें पानी आ रहा है, वो देखें वो डक्स कितने प्यारी लग रही हैं। ये देखें इस साइड पे, ये देखें ये फ़िश फॉर्म 1 2 और वो चलते जाएं आगे, वो देखें सारा पानी से कवर्ड है। और वो फिर वो साथ बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मैं रास्ते में पड़ता था तो बहुत दिल चाहता था कि मैं दिखाऊँ आपको और आप लोगों से शेयर करूँ। दौरा कुरान हमारे यहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे मैं जाती हूँ डेली। वैसे रमज़ान का महीना देखें अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बाबरकत महीना है। अल्लाह पाक के ख़ास फजल व करम, ख़ास रहमतें इस महीने में नाजिल होती हैं। ये अल्लाह ताला के महीने मेहमान होते हैं, मेहमान क्यों होते हैं, कुछ दिनों के लिए आता है और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें बरकतें फजल व करम और ये सब देकर जाता है। और इसके अलावा फिर ये इतना अजर व सवाब रोज़ा रखने पे अल्लाह पाक ने फरमाया असमली वना अजजी भी, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो ख़ुद देखें कि अल्लाह पाक की शान और अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक कितना अजर देगा। और ये है कि अल्लाह पाक ने फिर एक जन्नत के 7 दरवाज़े हैं ना, तो एक दरवाज़ा अल्लाह पाक ने जो रोज़ेदारों के लिए रख दिया है बाबुर रियान, और उस रोज़े दरवाज़े से सिर्फ़ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। तो ये है अजर रोज़े का। तो अल्लाह पाक को तो रोज़ेदार की जो मुंह की बदबू होती है वो मुश्क से भी ज़्यादा खूबसूरत पसंद है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक सबको रोज़े की तौफीक अता फ़रमाए और इसे अजर व सवाब समेटने की इंशाल्लाह हमें तौफीक अता फ़रमाए। देखें कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। और ये यहाँ से पानी आ रहा है, देखें ये इस साइड से वो मशीनरी, वो सोलर प्लेट्स, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है।
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस कोशिश करें कि इस महीने को खूब इंजॉय करें, अल्लाह ताला की रहमतें समेटें, सहरी करें खूब अच्छी सी, सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी, और अफ्तारी करें जो सेहत के लिहाज से अच्छी हो, और अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटें। ये दुआओं का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, खूब दुआएं मांगें, रोएं, गिड़गिड़ाएं तहज्जुद के टाइम, सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश मग़फ़िरत मांगें, और भी बहुत जो कुछ आपका दिल चाहता है मांगने को मांगें। अल्लाह पाक की तो रहमत जोश में होती है इस महीने में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, और इसकी महीने की बरकात को समेटने की इंशाल्लाह इंशाल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखें ये ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। शायद मोबाइल में तो इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मैं ख़ुद यहाँ पे सामने खड़ी हूँ तो मुझे तो बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है ये चीज़ें। चलें जी बस इतना ही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में अल्लाह पाक के फजल व करम से मुलाकात होती है, तो इंशाल्लाह चलें आज के लिए बस यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।